उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, कोई पुलिस फोर्स नहीं। ये बिल्कुल जाम लगा हुआ, बिल्कुल पूरा पूरा जाम। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में उत्सव और उमंग की लहर देखने को मिल रही है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी बीच दिल्ली में आज होने वाला दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को स्थगित करने के पीछे सबसे बड़ी वजह बारिश और जलभराव बताया जा रहा है। बुराड़ी ग्राउंड जहां पर कार्यक्रम होना था, वहां बारिश के बाद पानी भर गया है, जिसके चलते कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगर बात करें बीते बुधवार की, यानी 3 अगस्त को विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा रिकॉर्ड के लिए रिहर्सल होनी थी, लेकिन बारिश जाम और कुप्रबंध की वजह से रिहर्सल नहीं हो पाई। इस कार्यक्रम में रिहर्सल के लिए प्रत्येक स्कूल से 200 बच्चों के साथ 8 शिक्षकों को कार्यक्रम में पहुंचना था। इसके लिए 1500 DTC बस की व्यवस्था की गई थी। बारिश की वजह से रिहर्सल में सभी बच्चे नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के साथ ही रिहर्सल करनी पड़ी। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि पहले ये कार्यक्रम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होना था, जो कि अब नहीं हो पाया है, लेकिन बुराड़ी ग्राउंड ओपन होने की वजह से यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये ही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन अपने कामों का डंका पीटते नजर आते हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम को वो विश्व स्तर पर देख रहे थे, वो कार्यक्रम होने से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। जिस कार्यक्रम को लेकर वो विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, वो रिकॉर्ड बनने से पहले ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा। आपको आगे बताते चले कि इस कार्यक्रम के लिए 1500 बसों का इंतजाम किया गया था, लेकिन इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भी काफी जाम की समस्या देखने को मिली थी। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।